आज के दिन में कोई बड़ा ध्वज है जो उसकी पूजन होता है, उसके बारे में कुछ? यहाँ पर वर्षों सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है कि आज ये जो है वो ध्वज पूजन होता है, और ध्वज पूजन को सारे सनातन धर्मी जो है वो इकट्ठा करके ध्वज को जो है वो एक जुलूस के रूप में जो है वो शहर में जो है वो घुमाते हैं, जो गेर निकलती है, गेर निकलती है। उसका उद्देश्य था कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और जो है वो नव वर्ष का जो है उत्साह उमंग से मनाएं। उसके साथ साथ ही ये था कि सनातन धर्मी जो है अपना शस्त्र प्रदर्शन भी उसमें करते हैं, ताकि जो है वो शारीरिक रूप से वो शस्त्र प्रदर्शन लेके शारीरिक रूप से, गेर का उद्देश्य है कि आदमी शस्त्र प्रदर्शन वही कर पाएगा जो शारीरिक रूप से सक्षम होगा। तो इसलिए कि लोग पूरे साल भर जो है शारीरिक रूप से सक्षम हो और अपने शारीरिक सक्षमता का प्रदर्शन जो है वो गेर के रूप में प्रदर्शन करें। शाम की जो आरती, संध्या आरती होती है, उसका कुछ विशेष महत्व है? संध्या आरती तो प्रकृति पूजन के रूप में प्रारंभ की थी, ताकि जनता, आम जन जो है, जनता का जुड़ाव नदी की तरफ हो। ये जो शिप्रा आरती सिर्फ इसीलिए प्रारंभ की गई थी, वैसे शिप्रा आराधना होती है, शिप्रा जी की वैसे रोज हम आरती करते ही हैं, स्नान करने के बाद शिप्रा जी की आरती करते ही है, किंतु इसको व्रत पैमाने पे इसलिए चालू करा ताकि आम जन इससे जुड़े और शिप्रा के प्रति लोगों के मन में जो है वो अवेयरनेस आए। हम मतलब शिप्रा से लोग जुड़े हैं, नदी से जुड़े, नदियों के प्रति लोगों के मन में कुछ जागृति पैदा हो, इसलिए ये शिप्रा आरती जो है प्रारंभ की थी हमने। ये जो कल जो अमावस्या थी, चैत्र अमावस्या जो है उसको सामान्य भाषा में भूतरी अमावस्या के, देवा जिले में धारा जी हैं वहाँ पर लोग जो ऐसा कहते हैं ना, जिनको ऊपरी हवा रहती है, ऊपरी बाधा रहती है, उन्हें शिप्रा जी पे, और यहाँ एक पावन कुंड है, कालेदेव पैलेस पे पावन कुंड है, वहाँ पर वो धारा जी में स्नान कराते हैं ताकि इनकी ऊपरी बाधाएँ समाप्त हो जाए। शिप्रा नदी में या धारा जी है वहाँ पर स्नान करने से दूर होती है, इसलिए पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से लोग, आम जनता जो है, ग्रामीण जन जो यहाँ आते हैं वो शिप्रा पूजन करते हैं। और आप ये देखो, ये तलवार लेके आते हैं, उसमें नींबू लटका हुआ है, आप ये लोग आप ही जैसे ये जो है वो उसको देवता आ रहे हैं। तो ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए चित्र अमावस्या के दिन जो है वो गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले शिप्रा नदी में और कालियादेव पैलेस पर पवनपुर में और नर्मदा में धारा जी वहाँ पर स्नान करने का महत्व है। और ग्रामीण जन आसपास के सारे क्षेत्रों के ग्रामीण जन जो है वहाँ इन पे जाते हैं, वो स्नान करते हैं। तो अभी आपने ये भी समझ के लिया कि जो अपने चैत्री पंत जो नया साल शुरू होता है उसके एक दिन पहले जो अमावस्या होती है उस दिन लोग बहुत से लघु दूर से आते हैं, ताकि जो ऊपरी बाधा यानी जो हम कहते हैं कि जादू टोना है, काला जादू है जो उस पर किया गया है, तो वो अगर पावन कुंड में या तो शिप्रा नदी में वो स्नान कर ले तो उनकी सब बाधाएं दूर हो जाती हैं, जो भी जादू टोने का असर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इसे आप किस तरीके से लेते हो वो पता नहीं, बट बहुत से लोगों ने अनुभव किया है तो कुछ तो होगा, तो या तो आप उसे मानो या ना मानो, लेकिन अगर देखा है, मैं भी देख रही हूँ कि बहुत से लोग हैं, बहुत भीड़ है, लाखों लोग आए हुए हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं उसी कारण के लिए स्नान कर रहे हैं, ताकि जो भी विपदाएं हैं, जो भी बुरा साया है वो निकल जाए। तो शायद से श्रद्धा है, इसीलिए उनके जो भी बाधाएं हैं वो निवारण हो रही है। शिप्रा एक उत्तरवाहिनी नदी है, बाकी सब नदियाँ जो है कोई पूर्व से पश्चिम बहती है, कोई पश्चिम से पूर्व की है, कोई उत्तर से दक्षिण की बहती है। शिप्रा मात्र एक ऐसी नदी है जो उत्तरवाहिनी, इसे उत्तरवाहिनी कहते हैं। तो एक नया नाम मिल गया, उत्तरवाहिनी। हाँ, तो इसको उत्तरवाहिनी कहते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब गंगा जी अवतरित हुई थी तो हिमालय से अवतरित हुई, तो हिमालय में कई ऋषि मुनि ब्राह्मण जो है वो तप कर रहे थे, तो गंगा के वेग में वो लोग बह गए, और इसलिए उन गंगा जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, और इस ब्रह्म हत्या का दोष लगने से उनका रंग जो है वह नीला हो गया,
तब फिर गंगा जी ने जो है इसलिए शिव जी से प्रार्थना की कि ये मेरा रंग नीला तो हो गया, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, भाई मैंने जानबूझ करके तो नहीं करा, मुझे मैं तो अवतरित हुई थी आपकी जटा से, तो अब मैं इसके लिए क्या, मैं इसके क्या उपाय करूँ। तो शिव जी ने फिर गंगा जी से कहा कि तुम अवंतिका नगरी में शिप्रा में स्नान करो तो तुम्हारा जो है ये पाप भी पाप धुल जाएंगे और आपका रंग जो है खुद से स्वच्छ हो जाएगा। तो गंगा जी जो है फिर यहाँ पर आई और गंगा जी ने शिप्रा जी में यहाँ स्नान किया। तो यहाँ पर एक कुंड है नदी के बीचों बीच और इसी यहाँ पर शिप्रा जी का और गंगा जी का संगम हुआ। गंगा जी ने स्नान किया और गंगा जी का जो है वो वर्ण नीला होके समाप्त होके पूर्ण स्वच्छ रूप उनको प्राप्त हो गया। फिर शिप्रा जी ने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप तो मेरी बड़ी बहन हो, आप जो है मुझे एक वरदान दो, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या वरदान चाहती हो? बोले आप उज्जैन में ही जो है रहें। तो उन्होंने बोला ये तो संभव नहीं है, पर मैं यहाँ पर एक कुंड के रूप में उज्जैन में रहूँगी और इसीलिए एक नीलगंगा स्थान है यहाँ पर, उस नीलगंगा के एक कुंड है, उस कुंड में गंगा जी जो है नीलगंगा के रूप में रहती है। तो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि तत् प्रवेश मातेण नीलवासा शरीर द्वारा शुक्लवासा भवत साधु नष्ट पाप मला शुभम। मतलब गंगा जी को शिप्रा जी में प्रवेश के उपरांत जो है उनका स्वच्छ रूप खुद से प्राप्त हो गया, नीला रंग समाप्त हो गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि छोटी बहन ने बड़ी बहन की मदद की। तो मतलब कोई भी रूप हो लेकिन वो लोग एक ही हैं। एक ही हैं। और आपने कहा कि और भी कोई एक ऐसा है जिसका संगम का कोई पता नहीं है लोगों को। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि यहाँ पर गंधर्व शिप्रा नदी, गंगा जी और गंधर्व नदी का भी संगम है। संगम नील गंगायाम यावत गंधर्वती नदी तयोर मध्य शिप्रा देवा नाम अपि दुर्लभा। मतलब शिप्रा और गंगा जी के बीच में गंधर्व नदी भी है और इस इन तीनों नदी के संगम का दर्शन जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, ये इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है। तो अगर मतलब देवताओं को उसके दर्शन करने हो तो कोई उपाय? देवता तो आते ही रहते हैं यहाँ। तो आपने बोला दुर्लभ है, तो अगर सुलभ करने हो तो कोई उपाय हमको भी करना होता है? होते रहते हैं यहाँ पर, तो कार्यक्रम पूरे साल भर चलते रहते हैं। और यहाँ जैसे सोमवती अमावस्या है, शनिचर अमावस्या पे, कार्तिक में सारे लोग जो है वहाँ स्नान के लिए आते हैं, वैसे हर अमावस्या और पूर्णिमा पर विशेष। और यहाँ पर कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है, कार्तिक में पूरे मास जो है महिलाएं जो है यही राम घाट पर जो है शहर की महिला जो है सूर्योदय के पूर्व यहाँ पर स्नान करने आती है और फिर जो है वो दीप दान करती है। तो शाम को अभी आप कार्तिक मास में देखेंगे तो यहाँ पर दीप लगे हुए दिखेंगे आपको, लोग उन्हें दीप दान करते हैं। तो पूरे साल भर जो आती है, ये तो देवता का स्थान ही उज्जैन तो। क्योंकि आपने बोला दुर्लभ है तो मैंने सोचा कुछ तो उपाय होगा। कभी कभी जो उपाय भगवान देवताओं को नहीं पता होता, ब्राह्मणों को पता होते, पंडितों को पता। श्लोक है कि वो देवताओं को लब उज्जैन के लोगों को सुलभ है, मतलब इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि देवता को भी इसके दर्शन दुर्लभ है। मतलब बड़ा ये जो संगम है बहुत, मतलब धरती पे शिप्रा नदी होना, गंगा माता का होना, ये सब संगम जो नदी है ये ऐसी है जो उत्तर वाहिनी है। तो ये बहुत ही आपने अनोखी बातें बताई हैं। तो आई थिंक सो आपको भी जानकारी बहुत अच्छी लगी हो और अभी आपको पता चला हो कि उज्जैन को देवताओं की नगरी क्यों कहते हैं और जो कुछ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें छुपी छुपी है वो अभी सब आज के दिन हमें पता चल रही है। तो मुझे भी पता चल रही है, चलो कुछ तो मतलब हिडन सीक्रेट्स ऑफ उज्जैन, यू आर गेटिंग ऑल दैट। तो मज़ा आ रहा है।